एक सवाल था कि अगर सारे धर्म बराबर हैं तो कन्वर्जन से दिक्कत क्या है। अच्छा, मैं कुछ समय से बहुत एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस को नोट कर रहा हूँ। पता नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। पता नहीं कि वो जो कन्वर्ट करने वाले लोग हैं, जो हिंदू से ईसाई बनाने वाले, जो हिंदू से मुसलमान बनाने वाले जो लोग हैं, उनको क्या ये सीक्वेंस, ये पैटर्न अभी तक दिखा कि नहीं दिखा, क्योंकि वो लोग अंधे हैं। वो कैसा मजहब है, वो कैसा धर्म है, धर्म तो नहीं कहूँगा, धर्म एक सेपरेट चीज़ होगी, वो कैसा मजहब है, वो कैसा रिलीजन है जो खुद को स्प्रेड करने के लिए लोगों का कन्वर्जन मांग रहा है, चाहे विलिंगनेस हो, चाहे फोर्सफुली हो, चाहे जैसे हो। कन्वर्ट होना कोई तरीका नहीं होता है स्प्रेड करने का। लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लोग उस वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, कन्वर्ट नहीं होता कोई। तो मैंने अभी हाल ही में एक चीज़ नोटिस की है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस की ही होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं देखा होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर एग्री करते हो तो शेयर जरूर करिएगा, शायद कुछ हेल्प मिल जाए उन बुद्धुओं को जो कन्वर्ट कर रहे हैं, शायद या तो कन्वर्जन रोक दें या तो इस बात का ध्यान रखें। खैर, मैं उनके हेल्प कन्वर्जन में नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी तो आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में एथीस्ट लोगों की तादाद बहुत बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि हाल ही में एक्स मुस्लिम्स और एक्स क्रिश्चियंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि हाल ही में जो बॉर्न तो क्रिश्चियन हुए हैं लेकिन उन्हें सनातन धर्म समझ में आने लगा है, उन्हें वो लॉजिक समझ में आने लगा है कि ये बेवकूफ़ी अब बंद होनी चाहिए। कि जो जाकिर नायक करता ना, दो तीन सवालों के जवाब देने के बदले में कहता है कि क्या आप इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्या आप कन्वर्ट होना चाहेंगे, क्या आप मुस्लिम बनना चाहेंगे, या वो जितने भी जो रोज़ सुबह दिन में चार बार नारे लगाते हैं काफिरों को मारने वाले जो भी, और उसको वो अजान और नमाज कहते हैं जो भी। तो ये जितने लोग निकल रहे हैं एक्स क्रिश्चियन एक्स मुस्लिम एथीस्ट, इन लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ करके एक पूरा जाल बिछा दिया है और इतने सवाल दागे हैं उन लोगों के ऊपर जो बिल्कुल अंधे रिलीजियस लोग हैं। रिलीजियस बोल रहा हूँ, धार्मिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिलीजियस लोग हैं या मजहबी लोग हैं, उनसे इतने सवाल फेंके हैं उनके ऊपर कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कन्वर्ट करने वालों की आबादी बिल्कुल कम हो जाएगी और एथीस्ट एक्स मुस्लिम एक्स क्रिश्चियंस और सनातनी लोगों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी और इतने सवाल छोड़ेंगे वो कि एक रेशियो बिगड़ जाएगा और कन्वर्जन रुक जाएगा। क्योंकि ये वही लोग हैं जो कन्वर्ट होने के बाद, मान लीजिए कि एक हिंदू या एक क्रिश्चियन या कोई भी कन्वर्ट होता है, हिंदू से मुसलमान बन जाता है, मुसलमान से क्रिश्चियन बन जाता है, या हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है, कुछ भी अगर कन्वर्ट वो होता है तो फिर उसके मन में सवाल आते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से वो मानसिकता में नहीं पड़ा है, वो शुरुआत से ब्रेन वॉश्ड नहीं है, वो एक एज के बाद हो रहा है, वो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में किसी बहकावे में आके हो रहा है, फिर उसके मन में सवाल आ रहे हैं, ये लॉजिकल प्रैक्टिस में क्यों करूँ, ये अंडशंड चीज़ें मैं क्यों करूं? तो वो फिर अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए जनता के सामने आता है और देखता है इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, और इस चीज़ को फालतू पाता है। तो क्योंकि वो पिछले वाले में भी रह चुका है, क्योंकि वो नए वाले में आया तो उसको लगा कि बेकार है, तो जब वो वापस जाता है पिछले वाले में या फिर न्यूट्रल होने की कोशिश करता है, एथीस्ट बनता है, तो इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करके रख देता है कि मैं तो यहाँ से हो के आया हूँ, मैं देख रहा हूँ। So, Jesus Christ का मूल क्या है? उस जमाने में हर 26 यहूदी पुरुष में एक का नाम यीशु था, that common. So, उनमें से जूडा में करीब 100 लोगों को सूली पे मरण दंड दिया गया था। सो इट वॉज अ वेरी कॉमन नेम, जैसे राजू और श्रीनिवास है आज के जमाने में, इतना कॉमन था। तो एक्चुअल नेम इज यशुआ। The actual Hebrew word for Jesus is Yeshua. Yeshua is a shorter, a calling name, जैसे nickname होता है ना, श्रीनिवास का श्रीनु होता है, राजेश का राजू होता है, वैसे यहोशुआ का यशुआ है। So the actual name is Yehoshua, the longer name. The shorter name is Yeshua. Yehoshua, Yeshua. तो जब English में ये सब translation हुआ तो it became Joshua. तो उन 100 जीसस में से वो वाले जीसस कौन से थे जिनको आज पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड पूछता है? ऐसा कोई जीसस ही नहीं है, अगर मैं ऐसा कहूं तो आप क्या कहेंगी?
सो यहोशुआ एक्चुअली, यहोशुआ एक्चुअली मीन्स जहोवा सेव्स, जहोवा रक्षा करता है. दैट इज वॉट इट मीन्स इन हिब्रू. नाउ जहोवा इज द हिब्रू गॉड, यहूदियों का भगवान है वो. तो वो हो गया जीसस के पीछे की कहानी. अब क्राइस्ट का मतलब देखते हैं. तो क्राइस्ट एक्चुअली इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्रेस्टोस इन ग्रीक. इसका मतलब, क्रेस्टोस का मतलब है अनॉइंटेड वन. तो यहूदियों का सबसे पहला क्राइस्ट, द वेरी फर्स्ट क्राइस्ट इज किंग सॉल. सॉल इज एन ईविल किंग. सो क्राइस्ट इज ईविल हुआ ना. If Saul is the first Christ of the Jews and Saul was evil, their very first Messiah was an evil one. Saul ke baad David bana raja. David bhi ek Messiah hai. David is also a Christ. But David was an immoral one. Bahut hi immorality thi David mein. So David was immoral Christ. Saul was an evil Christ. So Christ कहां से डिवाइन हो गया? Christ has got nothing to do with divine ना, divinity ना. तो कुछ पवित्र कुछ नहीं है Christ में. So Christ is as human as any of us. Sometimes evil and also immoral. So when we combine Jesus and Christ, what do we have? Jesus मतलब Yehoshua, मतलब Jehovah saves. Christ मतलब the anointed, मतलब Christians का भगवान. ये हो गया कि जहोवा सेव्स द क्राइस्ट. जहोवा मतलब द जूइश गॉड सेव्स द क्रिश्चियन गॉड. इजंट दैट फनी? दैट इज द मीनिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. और वैसे तो इस्लाम छोड़ने की सजा भी मौत है, और जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया तो हेल फायर में जाओगे. अल्लाह को नहीं मानना या अल्लाह की बातें नहीं मानी तो हेल फायर. मतलब डराने धमकाने रिलीजन और मजहबों से निकल के जब कोई आता है तो एक्सपोज करना शुरू करता है. तो क्या ये जो कन्वर्ट करने वाले लोग हैं, इनका मैकेनिज्म ठीक से नहीं चल रहा? आपको नहीं लग रहा ऐसा? इन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार लिया? क्या ये अशोर्ड हैं कि हम जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए ही आस्तीन का सांप नहीं बनेगा, वो हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी का काम नहीं करेगा? खैर, स्वयं विचार करिए और देखिए कि कन्वर्जन क्या ज़रूरी है. क्योंकि मैंने एक जगह बहुत सही जगह सुना था, ये एक सवाल था कि अगर सारे धर्म बराबर हैं तो कन्वर्जन से दिक्कत क्या है. तो किसी ने जवाब दिया था कि अगर सारे धर्म बराबर हैं तो कन्वर्जन की ज़रूरत क्या है. अगर आपको सही लगे तो कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.